बच्चों अब हम तुम्हें आज इस समय यूनिट 11 यानी यूनिट 11 इंग्लिश की पढ़ाने जा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस, व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट का मतलब बेटा क्या होता है, क्या ही होता है हाँ, और मतलब है, दिस का मतलब या, तो यह क्या है, व्हाट इज़ दिस का मतलब हुआ ये क्या है। इसमें व्हाट इज़ दिस, इसमें बताया गया है व्हाट का मतलब क्या, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको आगे हाँ। व्हाट का अर्थ क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल होता है, व्हाट के साथ हमेशा इज क्रियापद आता है, उसका उत्तर इट इज से दिया जाता है। समझ में आया व्हाट का मतलब होता है क्या, और व्हाट के साथ हमेशा इज क्रियापद आता है, और हमेशा जो है इट इज से इसका उत्तर दिया जाता है। जैसे पूछा गया आपसे कि व्हाट इज दिस, तो इट इज ए फैन, इट इज ए टेबल, चेयर, आपको जो बोलना हो आपके सामने जो हो वो आप बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट का मतलब सबसे पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी है, यानी कि जो नए शब्द दिए हैं वो ये हैं। व्हाट मतलब क्या, इट का मतलब होता है वाह, गन का मतलब होता है बंदूक, फैन का मतलब होता है पंखा, मैप का मतलब होता है नक्शा, मैट का मतलब होता है चटाई, हट का मतलब होता है झोपड़ी, पॉट का मतलब क्या होता है घड़ा, सबके घर में घड़ा और चटाई तो होती ही है ना, यानी मैट और पॉट और फैन भी होता है। तो आगे सेंटेंस हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ दिस पहला सेंटेंस है, उसका उत्तर ऐसे लिखा जाएगा व्हाट इज़ दिस, इसका मतलब हुआ क्या है, वह क्या है, व्हाट इज़ दिस, वो ये क्या है, फिर उसका उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा इट इज़ ए फैन, वो फैन है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इट इज़ ए मैट, तीसरा देखिए व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इट इज़ ए पॉट, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ए हट, व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे मैप बना हुआ है फिर पूछा गया है व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ए मैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज बताइए, एक्सरसाइज कराते हैं हम आपको, है ना बेटा, नमूने के अनुसार दिए गए प्रश्नों, सॉरी दिए गए शब्दों में से दो वाक्य अंग्रेजी उच्चारण में लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया है नेट को कैसे लिखना है, व्हाट इज़ दिस, पहले लिखोगे व्हाट इज़ दिस, फिर लिखोगे दिस इज़ ए नेट, इसी तरह लिखना है जो नीचे चार पांच सेंटेंस दिए हैं। जैसे पिन दी है, पिन दी है तो लिखना है व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ ए पिन, व्हाट इज़ दिस, दूसरा दिस इज़ ए पेन, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए लेग, चौथा है व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए ग्लास, पांचवा है व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए गन, इस तरह से इसको आप लिखोगे, जैसे कि पीछे हमने आपको बताया। अब दूसरा देखिए क्या है, निम्न अंग्रेजी शब्दों के उचित हिंदी अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहले लिखा है, पहला शब्द है पिन, अब पिन का मतलब होता है कलम तो होता नहीं, पेंसिल भी नहीं, यानी पिन का मतलब होता है आल पिन। दूसरा है पॉट, पॉट का मतलब होता है घड़ा, भी हमने पीछे बताया आपको, पॉट का मतलब होता है घड़ा, तो जहाँ पे घड़ा लिखा है वहाँ पे आप सही का निशान लगाइए। उसके बाद देखिए उसके नीचे तीसरा प्रश्न, तीन प्राणियों के नाम अंग्रेजी उच्चारण में लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे काऊ डॉग लायन लिखा है, आपको जो आता है आप वो लिख सकते हो। तीन पक्षियों के नाम अंग्रेजी उच्चारण में लिखिए, पक्षी का लिखना है क्रो पीजन पीकॉक, हमने ये लिखा है आप कुछ भी लिखो, बर्ड कुछ भी लिख सकते हो। निम्न शब्दों में अधूरी स्पेलिंग पूरी करनी, जो स्पेलिंग है वहाँ पे खाली जगह दी हुई है वो भरना है। पहला है व्हाट डब्ल्यू एच ए टी, दूसरा है दिस टी एच आई एस, तीसरा है फैन एफ ए एन, चौथा है मैट एम ए टी,
पांचवा है हेड HAT, सिक्स नंबर है आपका या छठा नंबर पेन PEN पेन। उसके नीचे छठे नंबर में अब हम सिक्स नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं कि क्या है। निम्न चित्रों को देखकर नमूने के अनुसार अंग्रेजी वाक्य लिखना है, अंग्रेजी में वाक्य लिखना है, जैसे कि ऊपर बताया गया है पहला वाला। व्हाट इज दिस, दिस इज ए बैट, चित्र देख के उसका नाम हमको लिख कर देना है। दूसरा है व्हाट इज दिस, इट इज ए, फिर व्हाट इज दिस, इट इज ए मैट, व्हाट इज दिस, इट इज ए हट। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, ये लेसन आपका यहाँ पे पूरा हुआ। इसको अपनी कॉपी में इसकी एक्सरसाइज करिए, 2-3 बार पढ़कर इसे अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिखिए और याद करिए। जल्दी ही आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको सब याद हो जाना चाहिए ना, इसलिए अच्छे से लिखिए और याद करिए। ओके बाय। ये लेसन आपका यूनिट नंबर 11 पूरा हो गया।